प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर चल रही कार्यवाही के तहत टोहाना उपमंडल में तालाबंदी की गई। टीम का नेतृत्व खंड शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमार ने किया। शिक्षा विभाग की इस टीम ने विभागीय आदेश के अनुसार सूचीबद्ध 12 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का दौरा किया, जिनमें से 4 स्कूल बंद मिले और जबकि 7 स्कूलों में बच्चे पाए गए। गैर मान्यता प्राप्त 12 स्कूलों की लिस्ट हमारे पास थी, जिसमें से 4 स्कूल पहले से बंद मिले और 7 स्कूलों को मौके पर ताला लगा दिया गया और उन स्कूलों से लिखित में ले लिया गया कि जब तक वो उन्हें मान्यता पूरी नहीं मिलती तब तक वो कोई दाखिला नहीं करेंगे। कौन कौन उनके बारे में बता दीजिए। डॉफलिन इंटरनेशनल प्लेवे स्कूल, लिटिल फ्लावर प्ले स्कूल, शाही पब्लिक स्कूल, इलाइट विजन पब्लिक स्कूल, नव भारत पब्लिक स्कूल समेत सनराइज पब्लिक स्कूल ललौदा, लिटिल लर्निंग पॉइंट इंदाचुई, ताला लगा के इनको बंद कर दिया गया है और इनसे लिखित में ले लिया गया है कि जब तक मान्यता नहीं मिलती आम स्कूलों में दाखिला नहीं करेंगे। ताले की चाबी किनके पास है? शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। ताला स्कूल का ही ताला था, बच्चों को निकाल दिया गया और स्कूल खाली करवा लिया गया। अगर सर कल ये स्कूल लगते हैं तो आगामी कार्रवाई क्या होगी? विभाग करेगा कार्रवाई का। जिला शिक्षा अधिकारी जो भी ऊपर से निर्देश होंगे उस अनुसार दोबारा कार्रवाई की शिक्षा विभाग के आदेश पे की गई है। केवल ये स्कूल लिस्ट में आए हुए थे, अनरिकॉग्नाइज्ड यही है, बाकी और स्कूल हैं उनको मान्यता मिली हुई है, किसी को 5th की किसी को 8th स्कूल होगी। अगर कोई स्कूल खुला मिलता है तो वेट की जाएगी या तुरंत स्वभाव से कोई कार्रवाई होगी? निर्देश का इंतजार किया जाएगा? निर्देश का इंतजार किया जाएगा, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए विभाग की टीम ने बच्चों को स्कूल से बाहर करते हुए स्कूल के गेट पर ताला दिया। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक से लिखित में ये भी लिया गया कि वो स्कूल को बिना मान्यता के नहीं चलाएंगे। शिक्षा विभाग की इस कार्यवाही से उपमंडल के स्कूलों में हड़कंप मच गया। वहीं दोपहर तक विभाग ने अपनी इस कार्यवाही को पूरा किया। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह।